सिर्फ कुछ ही मिनट चालू हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर 99 पार हो गया है, फ्लैट 100 होने वाला है। वाओ, ये तो गजब परफॉर्मेंस दे रहा है। फ्रेंड्स, हमारा जो हीटर बना है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम खर्चे में है। इसका जो कॉइल है सिर्फ 280 वाट का है, जो कि बिजली बिल बहुत ही कम आएगा। हेलो फ्रेंड्स, दी टॉय एंड टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक रूम हीटर। इस रूम हीटर बहुत ही सस्ते में बनेगा और कुछ सिंपल चीज से ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको कोई भी बना सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देख के अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। रूम हीटर को बनाने के लिए कुछ सिंपल चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे इस टाइप का टीना का डब्बा चाहिए। ये हमारा पेंट का डब्बा था, इसके किनारे में पेंट था तो उसको हम जला के अच्छे से सफाई कर लिए हैं। और इस टाइप का जाली का जरूरत पड़ेगा। हीटिंग के लिए हम इस टाइप का 35 वाट का हीटिंग एलिमेंट लिए हैं, जो हमारा सोल्डरिंग आयरन में लगता है वही वाला है। ये हमारा सिर्फ 10 रुपये पड़ा है एक पीस। और इस टाइप का एक 12 वोल्ट का फैन लेंगे और एक कनेक्टिंग वायर लेंगे। तो सबसे पहले इस टीना का पीछे के में मार्किंग करेंगे पंखा के लिए। इसको हम मिडिल में देख के बैठाएंगे और चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे। पंखा का मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर हम काट लेंगे और जो होल है उसके लिए मार्किंग की है उसमें भी हम होल कर लेंगे। अब इस जाली का मार्किंग करेंगे, अंदर का जो गोला है इस गोले के हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे और इसको काट लेंगे। लगभग इसके गोले के बराबर काट लिए हैं। अब इस टाइप का एक पतला टीना का सीट लेंगे, ये 6 इंच बाई 8 इंच है। इसको हम दो टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़े में हैंडल बनाएंगे और दूसरा टुकड़े में हम इसको अंदर में लगाने का जुगाड़ करेंगे। अब इसको मोड़ लेंगे। इसी टाइप का सेम इसको भी बना लेंगे। अब इसको हम हैंडल बनाएंगे तो इसके लिए मार्किंग कर लिए, यहाँ से 1 इंच और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ दिए, इधर से भी सेम कर लिए। अब इसको हम मोड़ लेंगे टायर की मदद से। देखिए इस टाइप का लगेगा ये। अब इसमें तो होल कर लेंगे। हैंडल हमारा बन गया है, अब इसको हम बाद में लगाएंगे। अब इस जाली को अंदर होल्ड करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। तो इसको हम स्टॉक को मार्किंग करेंगे, ये जो अंदर वाला गोला है उससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको मोड़ लेंगे। इसको हम ऐसे बना लिए हैं। अब इसको चेक करेंगे, कहीं भी ये बैठ सकता है। अब इसमें इन दोनों साइड में 2 होल कर लेंगे और यहाँ पर 2 होल कर लेंगे इस जाली को यहाँ पर होल्ड करने के लिए। अब इसको इसके अंदर लगाने के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे, ये हैंडल से जस्ट नीचे करेंगे। अब इस जाली को थोड़ा सा और काट लेंगे, ये जो अंदर का गोला है इसके अंदर आराम से घुस जाना चाहिए और उसके बाद इसमें हम फिटिंग करेंगे। हम कुछ वॉशर बनाए हैं टीना का और इस टाइप का नट बोल्ट से इसको हम फिट कर लेंगे। अब इस हैंडल को इन दोनों हैंडल का बीच में हम लगा लेंगे, ऊपर से 1.5 इंच छोड़ लेंगे। हीटर बॉडी का सारे पार्ट्स तैयार हो गया है। अब इसको हम कलर कर लेंगे, फिर इसमें सारी चीज़ को फिटिंग करेंगे। हीटर बॉडी को कलर सूखने के लिए छोड़ दिया है, तब तक हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। हम हीटिंग के लिए इस टाइप का एलिमेंट लगाएंगे, ये 35 वाट का एलिमेंट है, ये इंस्टेंट गर्म होता है। तो चलिए एक बार टेस्ट करके दिखा देते हैं। अब इसको टेम्परेचर देखेंगे कैसे बढ़ता है। देखिए देखिए बढ़ना चालू हो गया है, ये इंस्टेंट गर्म होता है, अभी भी गर्म होना चालू हो गया है और ये शॉक भी नहीं लगता। देखिए इसको छू रहा है, शॉक नहीं लग रहा है, बहुत गर्म है ये। देखिए 102 का टेम्परेचर आ गया, हाई हो गया है। इन दोनों के साथ एक तार का जॉइंट है यहाँ पर बीच में, तो इसको हम मोड़ लेंगे ताकि बाहर ना रहे। और इसके साथ कोई भी तार का टच नहीं होना चाहिए, ये जो टीना है यही टीना यहाँ पे टच होगा। तो जो तार है इसको हम मोड़ लेंगे, अंदर में नहीं दिख रहा होगा, इस तार को मोड़ लेना है। ये हमारा ऊपर तरफ रहेगा तो नीचे से कनेक्शन आएगा, इसलिए ये जो पार्ट है इस टाइप का लगाना है। देखिए तो अंदर घुसा के लगाना है और इसको हम तार से बांध देंगे ताकि ये बाहर ना निकल जाए। देखिए सारे एलिमेंट को हम लगा लिए हैं, इसी टाइप से हम सजा दिए हैं। आप चाहे तो अपनी हिसाब से कर सकते हो। ये जो वायर है इस वायर का कोई भी हिस्सा इस तार में टच नहीं होना चाहिए, इस टाइप से इसको बांधना है। इसको हम इस टाइप से तार देके बांध देंगे ताकि ये एक अपने जगह पे बने रहे। देखिए इस तरह से पतले पतले तार लेंगे और ये सबको अपने पोजिशन में बांध देंगे। देखिए इस तरह से बांध दिया है, अब ये हिलेगा नहीं। इसी टाइप से हम सभी को बांध लेंगे। देखिए इसमें सारे एलिमेंट को बांध दिया है,
एलिमेंट को किस टाइप से बांधे हैं अच्छे से दिखाया जाता है क्लोजली। देखिए यहाँ पे एलिमेंट को बांधे हैं और इसका जो स्टील है, दूसरा यहाँ पे जो तार है इसका जाली का, उसमें अटक गया है। और पीछे से भी देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, ये हमारा किसी भी तार में टच नहीं है और ये बाहर में है। और सारे एलिमेंट को हम इस टाइप का सेट किए हैं कि इनका जो पीछे साइड ये बीच के आसपास आया है, जब तार लगाएंगे तो सुविधा होगा। अब इन सब एलिमेंट के साथ जो तार आया है इसमें हम स्लिप लगा लेंगे। स्लिप में हम इस टाइप का सफ़ेद स्लिप लेंगे जिसमें कोई भी कोटिंग चढ़ा हुआ नहीं है, ये गर्म होने से भी जलता नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। सारे तार में स्लिप लगा लिए हैं। अब एक एक एलिमेंट का एक एक तार ले लेंगे और हम जोड़ लेंगे। इधर का चारों एलिमेंट का एक एक तार ले लिए हैं और इधर चार छोड़ के रखे हैं, और ये दूसरा तार जो है उसको भी एक साथ कर लेंगे। एलिमेंट का दो तार अलग अलग कर लिए हैं और दो अलग अलग ग्रुप बना दिए, इधर चार, इधर चार, इधर चार और इधर चार। इन दोनों ग्रुप में चार चार एक साथ मिला देंगे और इन चार को एक साथ मिला देंगे। इधर का चार तार, इधर का चार तार मिला के अब इसमें एक तो अलग से तार लगा देंगे, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसमें हम टेप लगा लेंगे। अब इन पे एक बड़ा वाला स्लिप लगा देंगे। इधर जो तार बचा है इसमें भी एक स्लिप लगा लेंगे। इस साइड का चार तार और इस साइड का चार तार एकदम कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही सेम इन दोनों साइड के भी कर लेंगे। एलिमेंट का न्यूट्रल और फेस देने के लिए जो दोनों अलग अलग तार है, इन दोनों तार को अलग अलग निकाल लिए हैं और अच्छे से चेक करना, एक ही में दो तार नहीं आना चाहिए, अलग अलग ही होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएगा। इसमें टोटल 8 एलिमेंट लगा है, टोटल 80 रुपये खर्चा आया है। अब सबसे पहले इसमें आर्थिंग का टेस्ट करेंगे, इस तार से कहीं कनेक्शन इसमें गया तो नहीं। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे साउंड हो रहा है, कंटिन्यूटी में लगा हुआ है। देखिए इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरे तार से चेक कर लेते हैं, ये भी बढ़िया है। इन दोनों तार का भी कर लेते हैं, ये बढ़िया है। और इसके साथ इन सभी का कनेक्शन है कि नहीं है देख लेते हैं, क्योंकि इसी में हम आर्थिंग लगाएंगे। ये पूरी तरह बन के तैयार हो गया है, कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है। अब इसको इसके अंदर लगाएंगे तो उसके लिए हम छोटा सा स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो तो पॉइंट बना के रखे थे इसी में लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको पॉइजन कर लेते हैं। देखिए कॉइल हमारा पोजीशन में बैठ गया है। अब इसको पीछे से भी दिखाते हैं। अब इस हैंडल को यहाँ पर पोजीशन कर लेते हैं, इस तरह का बड़ा स्क्रू लगाएंगे। हैंडल यहाँ पर फिक्स हो गया है। इस हैंडल को हम इसको ऐसे करके लेके भी जा सकते हैं, या तो ऐसे हमको स्टे करना है तो ऐसे स्टे भी कर सकते हैं। अब सेफ्टी के लिए एक जाली बनाए हैं, इसके ऊपर हम इसको लगा लेंगे और स्क्रू फिट कर लेंगे। सेफ्टी के लिए जाली बहुत सुंदर से फिट हो गया है। अब इसको पीछे से कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए एक 6 एम्पियर का कनेक्टर ले लिए हैं। हम जो हीटिंग कॉइल यूज़ किए हैं ये 35 वाट का है और टोटल 8 पीस है। सभी हीटिंग कॉइल पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो इसमें टोटल जो वाटेज है ये 280 वाट का है। तो आप 6 एम्पियर का जो कनेक्टर है वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। और फैन के लिए एक 12 वोल्ट कनेक्टर लिए है जो 1.5 एम्पियर का आउट है, लेकिन थोड़ा कम भी होगा चलेगा। और इसका जो यहाँ पे एसी पॉइंट था इसको निकाल दिया है, इसकी जगह दो तार निकाल लिए एसी का। एडाप्टर को इसके अंदर लगाएंगे, आप चाहे तो इसको बाहर भी लगा सकते हो, अपनी तरफ से इसको लगा सकते हो। और यहाँ पे दो स्क्रू देके इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि ये नीचे ना जाए। अब एडाप्टर के साथ फैन का कनेक्शन कर लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव में, और साथ में स्लिप भी लगा लेंगे। पंखे के साथ कनेक्शन कर लिए। अब कनेक्टर के तार को हम पीछे से देंगे, तो इसके लिए होल कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें हम स्लिप लगा लेंगे। कनेक्शन का 3 तार, फेज न्यूट्रल और एक अर्थिंग। अर्थिंग को यहाँ पर जो स्क्रू लगाए थे एडाप्टर के लिए, इस स्क्रू में हम लगा देंगे तो इसमें अर्थिंग हो जाएगा, सारे बॉडी में अर्थिंग हो जाएगा। आप मेन कनेक्शन करेंगे, जो एसी कनेक्शन आया है उसका एक तार और एडाप्टर का एक इनपुट तार और एक हीटर का इनपुट तार, इन तीनों तार को एक साथ जोड़ के अच्छे से टैपिंग कर लेंगे और स्लिप भी लगा लेंगे। एसी का एक तार का कनेक्शन हो गया है,
दूसरा एसी के तार से हमारा एडेप्टर का दूसरा इनपुट और हीटर का दूसरा इनपुट में एक साथ कनेक्शन कर लेंगे और उसमें टेप लगा के स्लीव लगा लेंगे। हीटर के साथ कनेक्शन पूरा हो गया है। अब इन तारों को पोजीशन कर लेंगे अंदर में, ऐसा पोजीशन करेंगे कि इस पंखे पे ना आए। अब पंखा के तार को भी अंदर कर लेते हैं और पंखा को पोजीशन कर लेते हैं। साथ में एक जाली बना के रखे हैं सेफ्टी के लिए, इसको भी लगा लेंगे। देखिए पंखा हमारा अच्छे से फिट हो गया है। फ्रेंड्स हमारा रूम हीटर बन के तैयार हो गया है। देखिए इसको देखने में कैसे लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो अंदर में हीटिंग कॉइल है और यहाँ पे एक जाली लगा है सेफ्टी के लिए और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे एक पहले से हैंडल था जो इस डब्बा का हैंडल है और ये हैंडल हमने बनाया, इसको हम ऐसे करके लेके भी जा सकते हैं और इस हैंडल को ऐसे हम स्टे करने के लिए बनाए हैं। और इसके पीछे में एक पंखा लगाया है जो 12 वोल्ट का पंखा है, इसको आप रेगुलेटर भी लगा सकते हो लेकिन इसमें रेगुलेटर लगा हुआ नहीं है। और इसमें एक 6 एम्पियर का कनेक्टर लगा हुआ है। इसको चालू करने से पहले हम इसको अर्थिंग टेस्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इसमें अर्थिंग होना बहुत जरूरी है। तो चलिए ये हमारा अर्थिंग पॉइंट है, हम कंटिन्यूटी टेस्ट लिए हैं। देखिए लाइट जल रहा है तो हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जल रहा है, यहाँ पर जो हमारा कॉइल है उसमें भी जल रहा है और पीछे का पंखा का देख लेते हैं। सारे चीज में पूरी तरह अर्थिंग है। इसको एक बार हम टेस्ट किए हैं, उस टेस्ट में ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाया क्योंकि हमारा जो कॉइल था ये काफ़ी अंदर था। अभी हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं, जो कॉइल पहले यहाँ पर था इसको हम यहाँ पर लेके आए हैं। इसका वीडियो हम बनाए थे लेकिन किसी कारण से मोबाइल से करप्ट हो गया तो उस वीडियो को हम नहीं दिखा पाएंगे। और एक मॉडिफिकेशन किए हैं, हमारा जो पंखा है ये 12 वोल्ट का पैन है, काफ़ी ज़्यादा हवा जा रहा था तो इसलिए जो पंखा है इस पंखा को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिए है। हवा इसके अंदर कम जाएगा और इसके अंदर हवा कम निकलेगा। आप अगर इस तरह का पंखा लगाइएगा तो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट या 9 वोल्ट तक लगाइएगा, तो 12 वोल्ट का पंखा नहीं लगाना है। अगर 12 वोल्ट का पंखा लगाना है तो यहाँ पर जो कॉइल है इसका और बढ़ाना पड़ेगा कॉइल। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं, फाइनली इसको क्या परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर रखे हैं और इसको हम यहाँ पर लगाते हैं और फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे कितना टेम्परेचर तक जाता है। तो चलिए इसको चालू करते हैं। चालू कर दिए, देखिए ये पंखा चालू हो गया है, इधर से हवा निकल रहा है। और साथ में ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं पे करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए कहीं पे कोई करंट नहीं आ रहा है। देखिए जहाँ पे कॉइल लगा उसमें भी करंट नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, इसको छू सकते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनट चालू हुआ है, यहाँ पर टेम्परेचर 99 पार हो गया है, जस्ट 100 होने वाला है। वाह ये तो गजब परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका सही में बहुत अच्छा है। ये सिर्फ 280 वाट का है, अगर हम वाटेज बढ़ाएंगे तो इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा आप सोच ही सकते हो। इतने छोटे वाट में और इतना परफॉर्मेंस हमने सोचे नहीं थे। आप देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, 105 डिग्री पार हो गया है। फ्रेंड्स हमारा जो हीटर बना है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम खर्चे में है। इसका जो कॉइल है सिर्फ 280 वाट का है जो कि बिजली बिल बहुत ही कम आएगा। नॉर्मल हीटर 2000 वाट या तो 1000 वाट का होता है जो काफ़ी बिजली खींचता है, लेकिन ये सिर्फ 280 वाट का है। ये घर भी बहुत अच्छा गर्म करेगा। ये सुंदर सा हीटर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करना, साथ में आपका दोस्त लोगों को भी शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।